अधिकारियों की लिस्ट तैयार की, अधिकारियों पर बीजेपी के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस की सरकार आते ही अफसरों को सबक सिखाएंगे, कांग्रेस की तरफ से यहां पर यह बड़ा बयान दिया गया। कांग्रेस के आरोपों का बीजेपी ने पलटवार किया, आरोप लगाना कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा है। यहां पर देखिए सियासत अफसरों को लेकर एमपी में तेज होती जा रही है, तो कांग्रेस एक दूसरे पर बार पलटवार करती नजर आ रही है। कांग्रेस ने 250 सरकारी अधिकारियों की लिस्ट तैयार की है, अधिकारियों पर बीजेपी के पक्ष में काम करने का गंभीर आरोप लगाया है और कहा कांग्रेस की सरकार आते ही अफसरों को सबक सिखाएंगे। ये बड़ा बयान कांग्रेस ने दिया और बीजेपी कह रही है आरोप लगाना कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा है। मुझे लगता है कि पारदर्शिता के साथ चुनाव की पूरी प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी इसको मानती है कि जैसे जैसे आप मतगणना करते रहें उसको आप जारी करते रहें ताकि कोई भी किसी भी तरह का शक बाद में ना हो। जैसे पोस्टल बैलेट सबसे पहले खोले जाते हैं, उनकी गिनती सबसे पहले होती है, कर्मचारियों के अधिकारियों के वोट होते हैं उसमें, बड़े माइनर मार्जिन की बात रहती है, बहुत कम वोट होते हैं जिससे बाद में बहुत कुछ सवाल खड़े किए जाते हैं, तो उनकी घोषणा भी पहले कर दी जाए। हमने 2018 में भी मांग करी थी कि जैसे जैसे आप राउंड्स पूरे करते जाएं वैसे वैसे आप सर्टिफिकेट देते जाएं। कि कांग्रेस पार्टी घबरा चुकी है हार के डर से और हार का ठीकरा कहीं ना कहीं फोड़ना पड़ता है। पिछले 20 साल से जो भी चुनाव हुए हैं, 2003 का, 8 का, 13 का, 18 का या इस बीच में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, हर बार कांग्रेस हारती है और किसी न किसी पर हार का ठीकरा फोड़ने का प्रयास करती है। तो ये भी हार का ठीकरा फोड़ने का प्रयास है कि हार के लिए कमलनाथ जिम्मेदार होंगे कि दिग्विजय सिंह जिम्मेदार होंगे या राहुल गांधी जिम्मेदार होंगे।